बनाई है कौन है यार, किसने बनाई है गेम, कौन है वो बेकार जो उसकी बीवी छोड़ के भागी क्या, उसको उदासी मनुष्यत में बनाई है ये गेम, घोस्ट बना घंटा गेम का बात की गेम है वो, कॉल ऑफ ड्यूटी तो है ही नहीं, बेंच कहीं से लगती है कॉल ऑफ ड्यूटी, बेकार सी गेम बना दी बस, पकड़ा दो। पहला मोबाइल गेम बनाया IW पे, किसके पहले पे बोक रहे हो? Another failure. Same shit, different disc. My flag's my country. It's the same image of shirtless Makarov like 40 times. They keep using it every time he's mentioned in the briefings. It's like a running joke. I need to know how many times it's utilized. When Makarov. Makarov. This has got Makarov written all over it. Makarov, Makarov's been. Or someone. This is a shot of Makarov. Makarov. Is Makarov alive? Makarov. Price and Farah meet up. Team Deathmatch. All Strasser, destroy me. मैंने कहा था ना वीडियो में कि लेम एक्सक्यूजेस मत देना, लेकिन आई गेस बालक भी ऑलवेज भी बालक। तुम्हें पता है भाई, जब मैं इस तरह के कमेंट्स पढ़ रहा था तो मेरे अंदर क्या चल रहा था? Looks like there's been a change of plans. You blew it! You had it on and you blew it! तो अब पीसी गेम्स की बात करेंगे और आई गेस इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि IW इंजन भी पीसी गेम्स के लिए है और एक्टिविजन पीसी गेम बनाता आ रहा है तो उनके पास एक्सपीरियंस भी है, तो पीसी पर तो एक्टिविजन अच्छा ही काम करता होगा, है ना। तो आज की वीडियो में अपन एक्टिविजन का इतिहास उठाएंगे और देखेंगे पिछले 6-7 सालों में आखिर कौन से झंडे गाड़े हैं एक्टिविजन ने पीसी प्लेटफॉर्म पर। अब मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए गेम बनाना नहीं आता $1 बिलियन ऑफ कंपनी को, पर पीसी गेम तो अच्छा बना ही लेते होंगे। फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, मेरा घर नहीं चल रहा क्रिटिसाइज कर एक्टिविजन को क्योंकि मेरा चैनल अब तक मोनिटाइज ही नहीं हुआ है। वैसे रिसेंटली एक्टिविजन की साइट से हमें क्या देखने को मिला था? मॉडर्न वॉरफेयर 3। अच्छा, उसमें कैंपिंग कितने घंटे का था? 3 घंटे का, और उसमें भी कुछ यूनिक नहीं था, बस पुराने गेम के एसेट्स उठाए और इस गेम में चिपका दिया और पैसे ले लिए। और चलो पैसे लिए तो लिए, पर ढंग की स्टोरी तो दे देते यार, 3 घंटे का गेम बनाया उसमें भी ढंग की स्टोरी नहीं दे सकते तुम। चलो माना कि तुम्हारा पूरा ध्यान गेम को पूरी तरीके से मल्टीप्लेयर बनाने में था, लेकिन उसे भी तो स्टेबल कर देते, वो भी स्टेबल नहीं करा गया तुमसे। रिसेंटली तुमने अपडेट रिलीज करा, ज़ॉम्बी मोड डाला और उसमें भी गालियां खाई लोगों से। चलो इसको तो साइड में रखते हैं, तो लेटेस्ट गेम थी, अपन बात कर लेते पुरानी गेम्स के बारे में, लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी गोस्ट, इन्फिनिटी वॉर और एडवांस वॉरफेयर। इसके अलावा और कौन सी गेम थी? कॉल ऑफ ड्यूटी कोल्ड वॉर, वैनगार्ड वगैरह, सबके बारे में बात कर लेते हैं। World War II, बता दो इनमें से कोई भी एक गेम जो इतने टाइम में आई हो और उसको गालियां नहीं पड़ी हो, लोगों ने क्रिटिसाइज नहीं करा हो गेम को। नहीं, कैरी ने भी इन्हें ट्रोल किया था COD गोस्ट के चक्कर में। और कैरी की बात तो जाने ही दो, वो सारे गेमर्स जिन्हें कॉल ऑफ ड्यूटी गेम्स खेलना पसंद हुआ करती थी, वो सारे गेमर्स आज की तारीख में एक्टिविजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें गेम खेलना पसंद थी, कॉल ऑफ ड्यूटी गेम पसंद थी, ना कि एक्टिविजन की चाटना। Everything is just terrible. The game's so slow paced. Good point, eh? So slow paced, it just encourages bad players. Another year, another failure. Same shit, different disc. Call of Duty Ghost multiplayer sucks. How surprising. Why is Call of Duty Ghosts at least such a bad game? I think Ghost is the worst Call of Duty. A lot of the maps on Ghost are bad. They're really big, bad, ugly. Fucking look at that texture, man. This game has what are probably the highest system requirements on the market right now, and that is just ridiculous. Ghost just feels like a fuck up, a mistake. I had to spend $8 of my own on this, and I want that $8 back. It's that bad. Well, the single player was pretty much a nosedive according to everyone in the community. The plot and the story is the dumbest.
I have ever heard. So however you might have expected a game called Ghosts to differ from the modern shooter routine of meaningless violence and empty spectacle, you were wrong, you idiot. Everything looks the same. Honestly, I swear to God, if I just opened this game accidentally, I would think I was in Black Ops 2. How can a series go on this long and always get worse? Worse and worse and worse and worse and worse. I mean, most of you guys think if I touch this game, it'll probably burst into flames. I'm coming to the verdict that this game is fucking garbage. I mean, this game was so boring, you had to put clothespins on your nutsack just to stay awake playing this shit. But it's all my pre-order, it's not Call of Duty Ghosts. Look at that texture, you can even read the label. I feel like I'm running around with like the worst vision ever. The maps, they all fucking suck. Pulling down the SATCOM, which is completely a fucking useless kill streak. You're supposed to care about it somehow. I sat myself through this because I figured, you know what, it's worth a shot. But was it worth it? No, it was not worth it at all. None of this was worth it. एक टाइम पे जो यूट्यूबर्स ये कहा करते थे कि भैया नई कॉल ऑफ ड्यूटी गेम आ रही है एक्साइटेड तो हो ना, आज के टाइम पर वही लोग कहते हैं कि भैया खरीदो ये मत। भाई तुम्हें याद है कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड वॉर 2 के साथ क्या किया था? ट्रेलर पहले तो बैटलफील्ड 1 से कॉपी कर लिया, उसके बाद ग्राफिक्स इतने हाई दिखाए, लेकिन जब गेम रिलीज हुई तब ग्राफिक क्या मिले थे लोगों को? हाँ, उस टाइम पर भी इन्होंने हक दिया था। चलो वो तो पुरानी बात हो गई, वैनगार्ड की बात कर लेते हैं। वैनगार्ड के टाइम पर क्या हुआ था? ओह शिट, नॉट गुड। In Vanguard zombies. How do you die in this? It's so easy. Cold War के time क्या हुआ था? भाई हर बार कोई नया बहाना इन लोगों के पास ready रहता है। Game बनाने से पहले आई के जी एक बहाना तैयार रखते हैं, क्योंकि हर बार आएंगे कुछ नया game लाएंगे और नए game के साथ होगी नए सारे glitches, नए सारे bugs और पता है कि लोग गालियां देंगे, तो पहले ही बहाना ready रखें और फिर आकर क्या बोलेंगे, हम जल्दी fix कर देंगे, हम update ला रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। इनके ये सारे बहाने सुनने के बाद अंदर से केजू भैया निकलते हैं। वैसे फन फैक्ट, केजू भैया अंदर से तो नहीं निकल पा रहे। All 10 years, 11 years of witnessing Call of Duty Zombies games release, I haven't seen anything as negative as this ever. COD Vanguard came out. Call of Duty Vanguard came out. I did not buy it. I am not interested. I am so mentally checked out of Call of Duty in the year 2021. I want to make it abundantly clear that I am done with new Call of Duty games coming out. I sit before you and tell you that Call of Duty Vanguard Zombies is arguably the worst zombies experience I have ever played and is an insult to the $60 I spent on the game. I wouldn't spend $10 on this game. I wouldn't play it if it was free. I just didn't feel like the game was worthy, really, of my time. It wasn't captivating for me. It didn't hold my attention. I finally drew, finally standing my ground. I'm done buying your shitty games, Activision. I have waited so excitedly for this game. I'm gonna give it a 3 out of 10. My first run lasted about an hour and 10 minutes and I was bored halfway through it. On my first run, I was bored. You know, honestly, I mean, in these videos, we usually cover content. We review content. We analyze the content. It really goes to show you just how terrible it is when- Yeah, just don't buy the game yet. If you're buying it for zombies, just don't do it. Please. तो कंक्लूजन, एक्टिविजन 6 से 7 सालों से सेम चीजें करता आ रहा है। एक गेम को रिलीज कर देगा जो कि पूरी तरीके से अनस्टेबल होगी, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, गालियां देते हैं, बाद में लोग अपडेट के साथ उस गेम को फिक्स कर देते हैं। यहाँ सबसे बुरी चीज क्या होती है पता है तुम्हें? एक गेम की हाइप खत्म हो जाती है। लाइक वॉरजोन मोबाइल, ये शायद वो पहला बैटल रॉयल गेम होगा जिसके लिए इंडिया में इतनी ज्यादा हाइप बनी हुई थी और लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड थे। लाइक कई सारे लोग तो ये कह रहे थे कि ये BGMI का धंधा खा जाएगा, लेकिन गेम के रिलीज होने के बाद लोगों ने क्या कि हम इससे अच्छा फ्री फायर खेल लेंगे। अब इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती है एक्टिविजन की, क्योंकि वो लोग अपने डेवलपर्स को टाइम नहीं देते एक गेम को डेवलप करने के लिए। पहले तो गेम को रिलीज होने के लिए कोई अजीब सी डेट फिक्स कर लेंगे और फिर जबरदस्ती डेवलपर से काम करवाते हैं, और फिर गेम जब कम्प्लीट ना हो, अनफिनिश रह जाए, तो गेम को डिले करने की जगह ऐसे की ऐसी ही रिलीज कर देंगे ताकि डिले के टैक्स से बच सके। और एग्जैक्ट सेम चीज इन्होंने वॉरजोन मोबाइल के साथ भी करी है। अब तुम आने वाले 5 से 6 महीने बाद देखना कि वही गेम तुम्हारे फोन में
में कितने अच्छे से रन करेगी। अभी तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली क्योंकि अभी तो काफी सारे अपडेट आएंगे और बहुत सारे अपडेट के साथ कई सारे बग्स भी आना बाकी है। बाकी अगर तुम वॉरजोन जैसी गेम खेलना चाहते हो तो आई गेस तुम्हें ब्लड स्ट्राइक ट्राई करनी चाहिए। काफी बढ़िया गेम है, मैं खेल रहा हूँ पर्सनली, मुझे काफी पसंद आई है, तो आई गेस तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए अगर तुम्हें वॉरजोन जैसी गेम खेलनी है तो। काफी अच्छा प्लेयर बेस भी बन चुका है अभी हाल फिलहाल। इसके अलावा इस गेम को डाउनलोड तुम डायरेक्ट प्ले स्टोर से नहीं कर सकते क्योंकि नेटिज की गेम है तो बैन है। तो इस गेम को चलाने के लिए तुम्हें VPN की जरूरत पड़ेगी अगर तुम वाईफाई पे नहीं हो तो। तुम्हें VPN से सिर्फ लोबी तक जाना होगा और उसके बाद तुम VPN बंद कर सकते हो, आराम से गेम चलेगी। लेकिन हाँ, लोबी तक VPN की मदद से जाना पड़ेगा। इसके अलावा गेम कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो अगर MI का फोन है तो गेट ऐप से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो टैप टैप से डाउनलोड कर लो। अब बात करते हैं मेरी वीडियोस के कुछ प्रीवियस कमेंट के बारे में। तो इन लॉजिकल कमेंट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, अपन बात करेंगे लॉजिकल कमेंट्स के बारे में। कई लोगों ने मुझे कहा कि भाई तुमने ये तो बता दिया कि वो प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, पर ये नहीं बताया कि वो इंजन कैपेबल है या नहीं है, या वो मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए इतना ऑप्टिमाइज्ड है भी या नहीं। और वैसे तो मैंने उन्हें वही रिप्लाई दे दिया था और वो समझ भी गए थे, पर एक बार यहाँ पर भी बात करना जरूरी है क्योंकि ये वाली बात ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। देखो, तुम्हारी ये बात सही है कि अनरियल इंजन और यूनिटी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है इन प्लेटफॉर्म के लिए। मैं भी मानता हूँ इस चीज को क्योंकि मैंने भी अनरियल इंजन यूज करा है, गॉड डॉट वगैरह यूज करे हैं, तो आई नो कि हाँ ये जो प्लेटफॉर्म है ये काफी ऑप्टिमाइज्ड है। लेकिन वो इंजन जिसके बारे में सिर्फ मैंने सुना है, जिसे कभी मैंने यूज नहीं करा, वो इंजन जिसकी इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से पब्लिक डोमेन में भी नहीं है, ऐसे इंजन के बारे में सबसे ज्यादा किसे पता होगा, मुझे, तुम्हें या उस स्टूडियो को जिसने उस इंजन को डेवलप करा है? ये तो वही बता सकते हैं कि वो इंजन कितना कैपेबल है क्योंकि ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनके अलावा कोई और यूज ही नहीं कर सकता। एक बार को मैं मान लेता हूँ तुम्हारी बात सही है कि हाँ डेवलपर्स की नहीं इंजन की गलती थी, पर वो कैसे डेवलपर्स हैं जिनको अपने ही बनाए हुए इंजन के बारे में नहीं पता? 12 स्टूडियो लगे थे एक गेम को बनाने में, एक भी स्टूडियो को ये नहीं लगा कभी भी इन 2 सालों में कि ये जो इंजन पर गेम बनाई जा रही है ये इंजन सही नहीं है इस गेम को बनाने के लिए, कभी भी नहीं लगा। और अगर नहीं पता तो आई गेस ऐसे स्टूडियो को बंद हो जाना चाहिए जो कि अपने ही बनाए हुए इंजन के बारे में नहीं जानते। लाइक एक कंपनी है जिसका नाम है रॉकस्टार, नाम तो सुना ही होगा, उसे गेम बनानी थी RDR2 और उसे पता था कि उसका जो गेम इंजन है वो इतना कैपेबल नहीं है कि इस लेवल की गेम बना सके, तो उसने अपने गेम इंजन को शुरू से डिजाइन करा और स्क्रैच से बनाया। बाद में हम सब ने RDR2 खेली। हाँ, शुरू में उस गेम के अंदर बहुत सारे बग्स थे जिसे फिक्स करने में रॉकस्टार को 1 से 1.5 साल लग गया, लेकिन फिर भी गेम सबने खेली और सबने एंजॉय करी, और इतने बग्स होने के बाद भी लोगों ने रॉकस्टार को अप्रिशिएट किया। क्यों? क्योंकि रॉकस्टार ने काम ही कुछ ऐसा किया था, एक अलग ही लेवल की क्रिएटिविटी दिखा दी लोगों को। दूसरी तरफ आते हैं यूबीसॉफ्ट, जिनके पास दुनिया भर के इंजन है और वो अपने सारे इंजन का इस्तेमाल करते हैं अपनी अलग अलग गेम को बनाने के लिए। फिर आते हैं फ्रॉम सॉफ्टवेयर, जिनका इन हाउस इंजन है फ्रॉम इंजन, उस पर उन्होंने एल्डन रिंग जैसी गेम बनाई। अब ये सारी बातें मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई भी स्टूडियो जब अपना इन हाउस इंजन यूज करता है तो उसे पता होता है कि उनका जो इंजन है वो कितना कैपेबल है, क्योंकि वो लोग उसे गेम के हिसाब से अपडेट कर रहे होते हैं, और यही काम शायद एक्टिविजन को भी करना था, पर लोगों की बातों से लगता है कि IKC काम हमारा था उनका नहीं। इंजन की गलती थी, डेवलपर्स की थोड़ी। वही बात हो गई कि एक बंदे ने एक्सीडेंट कर दिया और उसका वकील ये कह रहा है कि भैया मेरे मॉकल की गलती नहीं है, गलती है ब्रेक की, उसने तो लगाया लेकिन ब्रेक लगा नहीं, तो ब्रेक को पकड़ो। लेकिन अगर अभी भी लगता है कि नहीं इंजन की ही गलती थी, तो बस इतना ही बोलूंगा कि 2 साल 12 बड़े स्टूडियो, ऐसे स्टूडियो जिनके पास बजट की कोई कमी नहीं थी, उन्हें बस एक गेम बनाना था, ब्लैक ऑप्स 2 कितनी अच्छी गेम रही थी, जिसने खेला है वो जानता है, और तुम में से भी शायद कई सारे लोग होंगे जिन्होंने उस गेम को खेला होगा। ऑनलाइन मोड भी काफी ज्यादा पॉपुलर रहा था, इनफैक्ट ब्लैक ऑप्स 2 आज भी काफी पॉपुलर गेम है। वो गेम कैसे बर्बाद हुई? उसके अंदर चीटर्स आ गए थे, ये लोग ध्यान नहीं देते थे, लोग इन्हें कहते थे लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया गेम में। उसके बाद एक मोडर्स आता है जो कि इनके गेम्स को स्टेबल करता है और कुछ ऐसे फीचर्स लोगों को देता है जिनकी उन्हें सच में जरूरत थी, जैसे कि सबसे जरूरी पैच सिक्योरिटी पैच। और उस टाइम पर ये सिक्योरिटी पैच इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी था क्योंकि कुछ हैकर्स ने इस गेम में मेलवेयर डाल दिया था जिसकी मदद से वो लोग पूरा का पूरा सिस्टम लोगों का हैक कर लिया करते थे। समझ रहे हो, यहाँ पर कोई डेटा कलेक्टिंग वाला सीन नहीं है, यहाँ पूरा का पूरा सिस्टम ही तुम्हारा हैक कर रहे थे वो लोग, और इस चीज को होते हुए रोका था इन लोगों ने। और फिर इन्हें क्या मिलता है एक्टिविजन की साइड से? केस की धमकी। This is the price we pay
for what we do. इतना ही नहीं इनसे मिलो, ये है फेज भैया, ये काफी पॉपुलर यूट्यूबर है। इतना ही नहीं इनके लिए तो एक स्किन भी अलग से डेवलप कर दी थी एक्टिविजन ने अपने गेम में। इस भाई के एक ट्वीट के चक्कर में तुमने इससे रिश्ता तोड़ लिया, तुम्हें लगा कि लोग तुम्हें शाबाशी देंगे, पर लोगों ने तो तुम्हें गालियां दे दी। एक्टिविजन शायद कभी कभी भूल जाता है कि उनके सारे फैंस का दिमाग मूड में नहीं है, सिर्फ उनकी चाटने वालों का है। और ये चाटने वाली दौड़ में खाली देसी नहीं विदेशी भी पीछे नहीं है। लाइक रिसेंटली मैंने कॉन्ट्रोवर्सी देखी जिसकी शुरुआत होती है एक ट्वीट से। एक ट्विटर हैंडल एक ट्वीट करता है, अब ये जो ट्वीट होती है इसके अंदर एक क्लिप ऐड होती है जो कि होती तो वॉरजोन की है, लेकिन ये ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि ये क्लिप है वॉरजोन मोबाइल की अपडेट के बाद। फिर क्या था, बस लोगों को रहा नहीं जाता और लोग देते थे गालियां। अब इस बंदे को डिफेंड करने आता है बॉबी प्लेस, एक काफी बड़ा यूट्यूबर है जो कि कॉल ऑफ ड्यूटी के अराउंड ही कॉन्टेंट बनाता रहता है। और ये बंदा आगे डिफेंस में पता है क्या ट्वीट करता है कि ये कितनी वियर्ड बात है कि वॉरजोन मोबाइल को वो लोग ही हेट कर रहे हैं जो कि सिर्फ मोबाइल गेमर है। सोचो क्या जमाना आ गया, एक मोबाइल गेम को मोबाइल गेमर्स ही क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अब इसके ये कमेंट के बाद जब सारी की सारी हेट इस पर डाइवर्ट हो जाती है और लोग इसे ट्रोल करना शुरू करते हैं, तब ये अजीब अजीब ट्वीट करने लग जाता है। अब ये सब चल रहा होता है और तभी एंट्री लेता है बूम। अब इस भाई का नाम क्या है वो नहीं पता, लेकिन भाई के चैनल का नाम भी बूम ही है। कुछ 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर्स है और ये भाई भी ज्यादातर कॉल ऑफ ड्यूटी के ऊपर ही कॉन्टेंट बनाते हैं। तो ये भाई अगर ट्वीट करते हैं कि क्या ही हो अगर इस तरह के ट्विटर हैंडल लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दे और एडिटेड क्लिप दिखाकर एक्टिविजन को बचाने की कोशिश ना करें। हम सब जानते हैं कि जो गेम है वो लॉन्च की हालातों में नहीं था, पर बोबी तो बोबी है और अगर बोबी फुद्दूगिरी नहीं करेगा तो कैसे साबित होगा कि ये एक्टिविजन का लॉयर है। पता है बंदा क्या ट्वीट करता है, ये ट्विटर पर आकर क्यों रो रहे हो भाई, अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो जाकर डेवलपर्स को बोलो जैसे हम बोलते हैं, हम देते हैं हमारा फीडबैक। एक गेम अभी अभी आई है उसकी हाइप को किल मत करो। देख हाइप की बात है ना, तो एक्टिविजन ने अपने गेम की हाइप पर खुद ही मूता है। अब रही बात फीडबैक देने की, तो ये एक तरह से फीडबैक ही है। अगर ट्विटर पर आकर गेम को कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो एक फीडबैक ही है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर रेटिंग कम करना, उस पर जाकर अपना फीडबैक देना, वो भी एक फीडबैक है। तुम्हारी चाटने के बावजूद तुम्हारे कमेंट सेक्शन में आके लोगों का एक्टिविजन को क्रिटिसाइज करना, ये भी एक फीडबैक है। इसके अलावा फीडबैक और क्या होता है, क्या चाहते हो तुम उस बंदे से, वो ईमेल करते एक्टिविजन को। बात करते हैं बूम भैया की, कि उन्होंने क्या जवाब दिया। देखो बूम ने साफ सीधा कह दिया कि भाई देख तू एक बड़ा यूट्यूबर है, तेरा उठना बैठना है उन लोगों के साथ और तू उनके डिस्कॉर्ड पर जाकर उन लोगों से बातचीत कर लेता है। मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं, मैं उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, और इसीलिए हम लोग तुम लोगों से ये उम्मीद रखते हैं कि तुम हमारे साथ ऑनेस्ट रहो। फिर क्या था, बोबी की सुलग गई और पता है क्या कमेंट करता है कि कोई तो गाय है जो कि कहीं और का कम्युनिटी का पार्ट है, हमारी कम्युनिटी में आकर फालतू में हेट फैलाने की कोशिश कर रहा है। सोचो एक बंदा जो हमारी तरह कॉल ऑफ ड्यूटी फ्रेंचाइजी का फैन है, एक्टिविजन का नहीं, अगर एक्टिविजन को क्रिटिसाइज कर दे उनके काम को लेकर तो वो कम्युनिटी का पार्ट ही नहीं है। तो देखा तुमने, गोरी चमड़ी वालों पे भी भरोसा नहीं कर सकते। Woods, it's been a while. Well, enough, Carlos. You know Bowman, right?